हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का दिन दोस्तों बहुत ही बुरा टल रहा। हमें दोनों साइड से मौका मिला बाय सेल करने का, तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारी आज की इंट्राडे स्ट्रेटजी क्या थी और साथ में हमारी कल की स्ट्रेटजी क्या रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी और बहुत सारे स्टॉक में, तो सारा चीज डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं निफ्टी का चार्ट और यहाँ पे आपको दिखाते हैं आज का मार्केट कितना वोलेटाइल था। कल के वीडियो में आपको बता दिए थे जो लेवल था, दोस्तों लेवल की बात करते हैं, ठीक है। आपको लेवल बता दिए थे कि जो निफ्टी का सपोर्ट था ना, क्या था आपका 15,400, ठीक है। कल दोस्तों लेवल पे आओ, क्योंकि ट्रेंड के साथ साथ ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जानना जरूरी है। अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं, आपको कल ही बोले थे कि यदि निफ्टी 15,400 के ऊपर में सस्टेन करेगा तो आपका निफ्टी यहां से क्या होगा, ऊपर जाएगा, और यदि इसको ब्रेक करता है तो यहां से ये नीचे जाएगा। एग्जैक्टली वही हुआ। आप देख सकते हैं जो मॉर्निंग का लो है ना दोस्तों, गैप अप खुला था, ठीक है, बट उसका क्या हुआ, आप देखो इस कैंडल को, ये मॉर्निंग वाली कैंडल है, 15,411 रुपए इसने लो लगाया, मीन्स कि ये हमारे सपोर्ट पे बाई के लिए आ गया, ठीक है। जैसे ही सपोर्ट पे बाई के लिए आया, हमने यहाँ पे क्या किया, बाई किया और रेजिस्टेंस इसके बाद दोस्तों इजिली आप इजिली इसमें ना यहाँ तक का सपोर्ट, ये दोस्तों इजिली यहाँ तक का टारगेट आप लेकर के चल सकते थे, ठीक है। इसमें फिर जैसे ही ये क्रॉस किया ना, तब पता चलिए ये इस गैप को भरने जा रहा है, ये जो गैप है ना इसको ये फिल कर सकता है। आप देख सकते हैं जो निफ्टी ने हाई लगाया है एग्जैक्टली इसने दोस्तों यहाँ पे 15,628 रुपए का, मीन्स कि आप देख सकते हैं 200 पॉइंट का आपको इजिली मिला निफ्टी के अंदर। इसके वजह से ही क्लाइंट ने एक दिन में दोस्तों इंट्राडे में किसी ने 40,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी दोस्तों 78,000 का प्रॉफिट किया इंट्राडे में सिर्फ निफ्टी के अंदर, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये होता है लेवल, यदि आपको ना सही टेक्निकल आएगा ना तो आप भी पैसे कमाएंगे मार्केट में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पहचाना था कि हमारा ट्रेंड क्या है, और दोस्तों सपोर्ट रेजिस्टेंस को जाना जरूरी था, जिसकी वजह से आज हमने अच्छा पैसे कमाया। तो यहाँ पे ये क्या था, आपका एग्जिट पॉइंट था, और इसके बाद ये दोस्तों जैसे इसको क्रॉस किया ना, तो हमने ये जो नेक्स्ट टारगेट था हमारा ये था। सारा चीज लाइव मार्केट अपडेट करते हैं अपने चैनल पे, जो प्राइवेट चैनल है वहां पे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे आया ना, आपको ले चलते हैं, इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं, क्योंकि ये क्या था आपका, अब ये रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, इसने रिवर्सल भी दिया, फिर पुट बाय करके पैसे कमाए यहाँ से शॉर्ट करके। ये देखिए ये रिवर्सल का सिंबल इसने दे दिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों ये क्या किया, यहां से रिवर्सल दिया, और यहां से रिवर्सल में आप देख कितना लंबा स्विंग मिला, आप ये देखो ना स्विंग कितना अच्छा मिला हमें यहां से लेकर, फिर अगेन ये, फिर अगेन दोस्तों नीचे गिरावट में भी हमें कितना मिला, 200 पॉइंट का स्विंग अगेन मिला, ठीक है। मींस की बाय में भी 200 का मिला, फिर सेल में मिला, उससे भी इंटरेस्टिंग आपको फिर दिखाते हैं किस तरह से ट्रेड होता है इंट्राडे में। थोड़ा सा अपने स्किल को डेवलप करेंगे ना तो डेफिनेटली आप भी पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे अगेन ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो है यहाँ पे अगेन ये लो पे आया, आप देख सकते हैं ये जो सपोर्ट एरिया था आपका दोस्तों, ये 15,400 वाला पॉइंट यहाँ पे अगेन दोस्तों इसने इस लो को तो ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया, बट क्या हुआ 5 मिनट के अंदर ये तुरंत रिकवर किया, और हमने 5 मिनट के रिवर्सल पे ट्रेड बनाया। यहाँ दोस्तों ये देखो 5 मिनट के रिवर्सल पे, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनाई, और फिर से यहाँ से एक अच्छा स्विंग हमें मिला, मींस कि निफ्टी के अंदर ना दोस्तों 3 टाइम ट्रेड हुआ, स्टार्टिंग में मॉर्निंग के टाइम में बाय, फिर ऊपर से सेल, फिर नीचे दोस्तों, फिर थर्ड टाइम में फिर से बाय, मींस कि जो भी स्विंग मिला हमने तीन बार जो स्विंग मिला अच्छा स्विंग, तीनों स्विंग को हमने कवर किया और तीनों बार पैसे कमाए। इसके वजह से एक अच्छा खासा आज हमें आज जो वोलेटिलिटी थी उसमें बहुत अच्छे पैसे देखने को मिले। अब चलते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, दोस्तों फिर बता देते हैं निफ्टी में अब कल क्या होगा, कल का लेवल भी आप देख लीजिए, आज का तो हो गया काम, अब दोस्तों कल का बताते हैं। निफ्टी में आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया, अभी भी अब आपका जो निफ्टी है एक स्टेप ऊपर जा चुका है, मीन्स की 15,500 जो कल का रेजिस्टेंस था उसके ऊपर अभी आपका मार्केट चल रहा है। क्लोज कहाँ दिया है, बहुत अच्छा इतने क्लोज दिया है 15,550 के ऊपर में। अब आप देख सकते हैं इसका जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली दोस्तों यही रेजिस्टेंस है 15,700 वाला, ठीक है 15,700। अब कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है उसको नोट ऑन कर लीजिए 15,500। यदि मार्केट 15,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो पहले 15,500, और यहाँ पे जैसे जैसे ओआई डेटा इंक्रीज होते चला जाएगा पुट राइटर, फिर दोस्तों स्लोली शिफ्ट होगा 15,600 पे, और 15,600 पे यदि अच्छा राइटिंग होता है तो फिर आपका 15,700 चला जाएगा। तो मीन्स कल 15,500 से
15700, ये आपका रेंज रहेगा। यदि दोस्तों यहाँ पे 15700 को ब्रेक करता है फिर फर्दर एक आपको मूव आ सकता है, बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है पहले 15700 के लेवल को ब्रेक करना, ठीक है। तो कल देखते हैं क्या होता है। 15500 दोस्तों आपका ये सपोर्ट हो गया और 15700 आपका रेजिस्टेंस हो गया। तो जो जैसा भी होगा लाइव मार्केट आपको अपडेट कर देंगे, इसलिए कोई भी यूट्यूब पे मेरे सब्सक्राइबर है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों ले चलते हैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे, और इस पे भी बताना चाहेंगे कल जैसा जो आपको लेवल दिए थे वही हुआ, इसने भी बाय करवाया बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग के टाइम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका सपोर्ट था यहाँ पे इस कैंडल का आप लो देख सकते हैं दोस्तों, ये देखो 32,800 का आपको सपोर्ट था, क्या था 32,800, ये बहुत ही नीचे में अच्छा सपोर्ट था और ये आपका रेजिस्टेंस था 33,500 ऊपर में, ये रेजिस्टेंस था मीन्स कि 800 पॉइंट का इसमें था। तो एक स्विंग तो आपको ये मिल गया दोस्तों, यहाँ पे एक स्विंग बहुत अच्छा मिला हमें मॉर्निंग टाइम में। इसके बाद आपको दिखाते हैं रेजिस्टेंस के पास में 15 मिनट दोस्तों, यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया एक बियरिश रामी पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से फिर एक सेल में दोस्तों सेल साइड में भी एक अच्छा स्विंग देखने को मिला और यहाँ पे भी पैसे फिर रिवर्स थर्ड टाइम, इसमें दोस्तों 3 टाइम हमने पैसे। आज निफ्टी बैंक निफ्टी का दिन था, एक्सपायरी था, बहुत ही मजेदार ट्रेड रहा आज का। इसके बाद दोस्तों इसमें एक चीज और आपको दिखाते हैं कल के लिए, ठीक है। आज का तो हो गया, हमने तीनों स्विंग पे काम किया, फिर अगेन यहाँ पे एंट्री बनाई और यहाँ पे एग्जिट रेजिस्टेंस के पास में गया, एग्जिट आप ले लो क्योंकि आपका वही है सपोर्ट पे एंट्री, सपोर्ट पे कोई पैटर्न अपना एंट्री करो, रेजिस्टेंस पे आपके आप जाके एग्जिट कर लीजिए। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में कल हमें क्या करना है वो अच्छे से आप देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ना इसकी भी क्लोजिंग बहुत ही अच्छी हुई है, 3300 ऊपर क्लोज दिया है। अब कल के लिए आपका जो 33100 का लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और अपसाइड में आपका ये दोस्तों इसका जो हाई है आपको दिखा दे रहे हैं 33500 ऊपर में आप 33500 ले सकते हैं, और नीचे दोस्तों आप यहाँ पे 33100 या 3300 का ले सकते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। यदि इस दोनों के अलावा आपको फर्दर इसके ऊपर जाना हो तो इसको क्रॉस करके जाएगा, और दोस्तों इसके नीचे हो तो 3300 के लेवल को 33000 के लेवल को ये ब्रेक करेगा। यदि कल मार्केट बैंक निफ्टी 33000 के ऊपर सस्टेन किया तो आप इसमें एक मूव बना सकते हैं दोस्तों 33500 के लिए, पहले 33400 फिर 33500 के लिए। तो देखते हैं जैसा जो भी होगा कल लाइव मार्केट में आपको अपडेट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे स्टॉक भी बताए थे, डिवीजन लैब कल बताए थे बहुत बढ़िया मूव दिया, डिवीजन लैब ने भी, टेक महिंद्रा ने भी बहुत अच्छा दोस्तों मूव दिया। तो चलिए अब कुछ स्टॉक आपको बताते हैं जिसमें कल अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, एक स्टॉक है PL जिसमें कि बहुत ही बढ़िया पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं देखिए आवर्ली चार्ट पे 4H के चार्ट पे यहाँ पे एक पैटर्न है, इसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। और इसके अकॉर्डिंग देखिए आपका यहाँ पे क्या दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट पे आया हुआ था। सबसे पहले किसी भी स्टॉक में जब ट्रेड करते हो ना उसमें क्या होता है इंपॉर्टेंट, क्या होता है उसके लिए ट्रेंड को पहचाना। आप ट्रेंड पहचानो ना, इसका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है डाउन ट्रेंड है, हमें रिवर्सल मिल गया, इसका दोस्तों एंट्री के लिए रिट्रेसमेंट मिल गया, जहां पे आपको हमेशा मिलता है 1:2 का, मीन्स की छोटा सा स्टॉप लॉस बड़ा सा टारगेट, ठीक है। तो पोजिशनल एंट्री दोस्तों हमने इस यहाँ पे 1600 के लेवल पे आपको करवाया था, अब यहाँ पे आपका 1627 पे है, अभी भी ये बाई जोन में है क्योंकि यहाँ से ना एग्जैक्टली दोस्तों 100 पॉइंट ऊपर का टारगेट है, आप देख सकते हैं। अब देखिये यहाँ पे ये 4H का चार्ट है, ठीक है 4H का चार्ट है दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा नहीं कि कोई कॉल बाय कर लेते हैं, आप यहाँ पे फ्यूचर या कैश में काम कीजिए, ठीक है। पुट में दोस्तों ये कॉल ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाय नहीं करना आपको, क्योंकि हो सकता है मे भी टारगेट टाइम भी लग सकता है ना, टारगेट दोस्तों कोई टाइम नहीं, तो आज भी आ जाएगा 2 दिन बाद भी आएगा, ठीक है। तो आप इसमें जो भी काम करेंगे कैश में करेंगे फ्यूचर में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आपको 100 पॉइंट का अपसाइड में मूव दिख सकता है, तो आप इसे भी कल के लिए राड पे रखेंगे। ऐसे भी फार्मा सेक्टर बुलिश है, आपको दिखाते हैं निफ्टी फार्मा में बहुत ही बढ़िया दोस्तों दिखाते हैं आपको बाई बना हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कल फार्मा में एक अच्छा मूव आए, आप यहाँ देखो फार्मा का 4H का चार्ट है, ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं फार्मा 4H, ये देखिए रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है इसके अंदर। और चलेंगे जब इसके डेली के चार्ट पे, तो यहाँ पे भी पैटर्न है, यहाँ देख सकते हैं आप क्या है मॉर्निंग स्टार पैटर्न है, तो हो सकता है कल एक अच्छा हाइक देखने को मिलेगा, इसलिए आप राड पे रखेंगे दोस्तों PL को। इसके अलावा आपको डिवीज लैब है, लाल पैथ लैब है, सब में पैटर्न बने हुए, तो आप बाई के लिए राड पे बिल्कुल रख सकते हैं। इसके अलावा चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे, बजाज फाइनेंस दोस्तों देखिए कितना बढ़िया आपको हाइक, इसमें दोस्तों एक स्विंग आपको अच्छा मिल सकता है बजाज फाइनेंस के
ट्रेड में। यहाँ देखिए प्रॉपर प्रॉपर आपको यहाँ पे एक पैटर्न है जिसको कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न, और ये आपका क्या है डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है दोस्तों, प्रॉपर पैटर्न है पियर्सिंग पैटर्न, और यहाँ पे ना ये आपके रिट्रेसमेंट पे भी आ चुका है, मीन्स कि यहाँ से आपको मिनिमम मिलेगा 1:2 का टारगेट। तो आपका ये बिल्कुल बाय जोन में है 54.48 दोस्तों, अभी ये करंट लेवल है। इसको आप यदि इसमें ट्रेड बनाते दोस्तों, तो इसमें जो मुझे ऊपर का लेवल दिख रहा है वो बहुत ही बढ़िया 5750 से 5800 के आसपास का, मीन्स कि इसमें दोस्तों 350 से 400 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है। ये भी दोस्तों डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो मे भी 2-3 दिन टाइम लग सकता है, एक दिन में भी आ जाएगा, कोई इसकी गारंटी नहीं होती है। ठीक है, बट 5750 से 5800 का टारगेट ये दिखा सकता है, तो इससे भी आप रेड पे रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी चार्ट है दोस्तों, BPCL में बहुत ही बढ़िया पैटर्न देखने को मिला है, आपको दिखाते हैं BPCL का चार्ट दोस्तों। यहाँ पे ये देखिए BPCL में बहुत ही बढ़िया मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो चुका है, मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल एक आ गया है, आप इसको बाय करके बिल्कुल चल सकते हैं। कल हो सकता है मार्केट ये डीप दे, डीप दोस्तों यदि डीप में ये 307 के 300 के आसपास में, ठीक है, यदि डीप में 300 के आसपास में आपको BPCL मिलेगा तो BPCL को आप बाय करके चल सकते हैं। और इसमें जो अपसाइड दिख रहा है बहुत ही बढ़िया 320 के आसपास का, तो 320 के लिए दोस्तों आप इसको रेड पे बिल्कुल रख सकते हैं। तो कल यदि 300 पे आएगा तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं। इसके अलावा और भी दोस्तों कुछ स्टॉक है, जैसे कि एक डीमार्ट में बहुत ही बढ़िया आज लास्ट आवर में रिकवरी देखने को मिला है, तो आपको दिखाते हैं, कल इसे भी रेड पे आप रख सकते हैं दोस्तों। इसके 31 के चार्ट पे चलेंगे तो यहाँ पे हैमर पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, हैमर है, और इसमें हैमर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं प्रॉपर रिट्रेसमेंट पे भी आया हुआ था, तो इसमें एंट्री हो चुकी है अब कल के डेट में। ठीक है, कल के डेट में यदि ये इस लेवल पे मिलता है तो आप इसको बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि ये क्या किया है फर्दर आवरली पे, यहाँ पे भी ये क्या किया फर्दर एक पैटर्न बना दिया मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो इसके अकॉर्डिंग कल दोस्तों इसमें हो सकता है आपको 3400, अभी 40 है ना, ये 3480 का रेट दिखा सकता है, तो आप डीमार्ट को भी रेड पे कल के लिए जरूर रखेंगे। इसके अलावा और भी दोस्तों बहुत सारे स्टॉक है जिसमें कि बाय पैटर्न बने हुए हैं, जैसे कि आपको टेक महिंद्रा में अभी टारगेट नहीं आया है, या विप्रो है, बहुत सारे स्टॉक, और आप लोगों को 4-5 दिन पहले बताए हुए थे कि IT स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड का चांस लग रहा है, वही हुआ दोस्तों। आज IT हो, ऑटो सेक्टर हो, सब में बहुत ही अच्छा हाइक देखने को मिला, तो चार्ट आपका सब कुछ बोल देता है कि क्या होने वाला है। तो जो चार्ट कहता है ना आप वैसे ही करो, थोड़ा सा टेक्निकल को अच्छा कीजिए, पैसे कमाना कोई बड़ा बात नहीं इस मार्केट में दोस्तों, आप जरूर पैसे कमाइएगा दोस्तों। यदि जो भी यहाँ पे हैं आप लोग चाहेंगे तो जो टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अपडेट आपको मिलते रहता है। तो चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे और दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए आप रीता भारती चार्ट एनालिसिस नाम से ये मेरा पब्लिक चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ देख सकते दोस्तों, एक क्लाइंट ने आज के दिन में 40,000 का, यहाँ देख सकते 40K आज ही कमाया है क्लाइंट ने एक दिन में दोस्तों, एक दिन के अंदर 40,000, मतलब कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है कोई भी क्लाइंट को ट्रेड कर रहा है तो। उसके लिए आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए सारा आपको ना यहाँ पे अपडेट मिलते रहेगा। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं 78,000 का प्रॉफिट है, 78,000 सिर्फ निफ्टी। आप देखिए आपको बोले दोनों साइड से हमने ट्रेड करवाया, तो आप देखो दोस्तों यहाँ पे कॉल बाय है ना 63,000 रुपये कॉल बाय करके है, और 15,000 रुपये आप देख रहे हैं पुट बाय करके है, मीन्स कि दोनों साइड से ट्रेड हुए हैं। तो यही मूवमेंट पकड़ना होता है, प्राइस एक्शन जो आप कहते हो ना, प्राइस एक्शन पकड़ो, आप मूवमेंट को पकड़ो, तो मूवमेंट तभी पकड़ पाएंगे जब आप मार्केट में एक्टिव रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ना एक्टिव रहेंगे और नॉलेज रहेगा, तो हम लोग का काम क्या है दोस्तों, यहाँ पे होल डे अपने क्लाइंट के साथ में बैठ के उनको सिखाते रहते हैं कैसे आपको ट्रेड करना है, पूरा प्रैक्टिकल ट्रेड दोस्तों करना सिखाते हैं। तो उसी का ये क्या है रिजल्ट है, और जो आप देख रहे हो ये उसका आउटकम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ दोस्तों बहुत सारा आपको मिलेगा, ये तो खैर चलिए सब प्रॉफिट है, क्लाइंट के प्रॉफिट है, आपको चैनल का बेनिफिट दिखाते हैं क्या होगा दोस्तों। देखो यहाँ मारुति दिए थे, मारुति में टारगेट आ गया, तो यहाँ पे क्या है ना बहुत सारे चार्ट जाते रहते हैं, तो आपको उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आपका लर्निंग अर्निंग दोनों होगा। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए कितना क्लियरली यहाँ पे दोस्तों निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों मार्केट ओपन होने से पहले 8:51 पे हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ठीक है कि यहाँ पे सपोर्ट आएगा, यहाँ पे वो बाय कर रिवर्सल दिया, आप बाय कर लो। तो ये सारा बेनिफिट यहाँ पे चैनल को ज्वाइन करने से आपको हो सकता है, तो आप भी चाहे तो दोस्तों बिल्कुल इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए टेक महिंद्रा का NTP दोस्तों, एक स्टॉक था नौकरी, बहुत ही बढ़िया मूवमेंट दिया आज नौकरी, यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसमें दिया था यहाँ पे ट्रम्प चैनल पे नौकरी पे क्या था डेली में ट्रायंगल का ब्रेकआउट, बहुत ही अच्छा 100 पॉइंट का मूवमेंट इसने दिया, यहाँ से 100 से भी दोस्तों ज्यादा दिया, और बहुत ही अच्छा इसमें के अंदर भी प्रॉफिट आया। तो ये आपको बेनिफिट होगा, आप चाहे तो उसको ज्वाइन बिल्कुल कर सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि आप टेक्निकल सीखना डेप्थ में, तो इसके लिए आप चाहे तो मेरा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे technicalchart.in नाम से मेरा वेबसाइट है, आप इसको विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स पे जाकर के। दोस्तों यहाँ पे मेरा क्लास ऑनलाइन लाइव मार्केट में क्लास चलता है और क्लास का दोस्तों फी है 8 ट्रिपल, ओनली वन टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम लाइव मार्केट सपोर्ट है, मीन्स की टोटली प्रैक्टिकल आपको पढ़ाते हैं। तो ये आपको सब दिन के लिए है, तो आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और डेप्थ में टेक्निकल सीख सकते हैं। और साथ में आपको बताना चाहेंगे, इसमें इसमें जुड़ने के बाद आपको प्राइवेट चैनल मिलता है जहाँ पे आपको होल डे आपको सिखाया जाता है प्रैक्टिकली, और साथ में आपकी लर्निंग अर्निंग दोनों होती रहती है। और दोस्तों आप चाहे तो वहाँ डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं दोनों ब्रोकर के, एक एंजल ब्रोकिंग के और एक शेयर खान के, उसका बेनिफिट है आपको। आपको दोस्तों बेनिफिट ये है कि आपको जो प्रीमियम चैनल है, एक प्रीमियम चैनल मिलेगा और साथ में दोस्तों आपको संडे का वेबिनार भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप चाहे तो डीमेट अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। धन्यवाद।